मनीष कश्यप तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने सहित अन्य मामले को लेकर जेल में है। वहीं शुक्रवार को पटना के कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप जमकर बिहार सरकार के सिस्टम और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर उन्होंने जमकर हमला बोला। मनीष ने कहा कि जेल का सिस्टम पूरी तरह फेल है, हम तंग आ गए हैं। एक कैदी गाड़ी में 60 से 65 लोगों को ठूस कर भेजा जाता है। हाजत में गांजा और स्मैक लोग पीते हैं। हम जब मना करते हैं तो मुंह पर धुआं छोड़ते हैं। ये स्थिति जेल की बनी हुई है। जेल और हाजत में इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो लोग क्या करेंगे। हम नशा विरोधी काम सभी दिन करते आए हैं, लेकिन आज नशे के बीच में हमको रहना पड़ रहा है। मनीष कश्यप ने आज सीधे तौर पर राज्य सरकार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। मनीष ने कहा कि हम जानते हैं कि इतना बोलने पर हम पर एक बार फिर केस दर्ज होगा, लेकिन हम नहीं डरते क्योंकि हम चारा चोर के बेटा नहीं है। हम अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखेंगे और अपनी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम फौजी के बेटा हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। यूट्यूबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री, आप पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मैं भी एक पत्रकार हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि आप जेल मैनुअल पर ध्यान दीजिए। 2 ग्राम स्मैक मिलने पर 1 साल की सजा होती है, लेकिन जेल में 25 ग्राम 30 ग्राम स्मैक आता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कैसे जेल के अंदर स्मैक और गांजा चलता है, इस पर ध्यान दीजिए। बता दें कि मनीष कश्यप अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 गो मजदूर फिर से मार खाया है, जाकर मजदूर मार खाया। एमके स्टालिन का बेटवा है ना, उदय निधि स्टालिन, ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है, नशे में कहा नहीं डाला जा रहा है। सबको जो है गजेरी के बीच में, भंगेरी के बीच में, नशेरी के बीच में बैठा देता है लोग, मुंह पे गाजा पी के फूक देता है, सब मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को, तब पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ। और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये तो बेचारा ईमानदार आदमी है, जितना कॉन्स्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग, इसमें सब बेचारा युवा है लोग, युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है और उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता। चलाइए बिहार में, बदलिए सारा बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बदल दीजिए बिहार, बदलिए लोग बिहार को, बदलिए। ये देखिए, ये टूटा फूटा गाड़ी जो है बंद हो जाता है, रास्ते में धक्का लगाना पड़ता है। इस गाड़ी में जो है 60-60 को कैदी को बंद फूस फूस के भेजा जाता है, और हाजत जाके चेक करवाइए लोग आप लोग। हाजत मेरे ऊपर एक नहीं 10 को FIR कर दे लोग, हम नहीं डरेंगे। काहे कि हम फौजी के बेटा है, मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम? ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है, इस बार इन लोगों को भारत पानी से भेंट पड़ा है। चलाइए, बारिश होने की जगह